दोस्तों, औरत अपनी फोटो के साथ लड़के को प्यार करते देख रही थी और अब लड़के ने भी औरत को देख लिया था। दोनों थोड़ी देर तक बस एक दूसरे को देखते रह गए और तभी फोन की घंटी बजती है, जिसे औरत उठाना चाहती नहीं थी क्योंकि वो उसके पति का फोन था, जिससे उसे डर लगता है। औरत बाथरूम में जाकर खूब रोती है। जब उसका पति घर आता है तो उसे बहुत कुछ बुरा भला कहता है। शायद रॉय को औरत से लगाव हो गया था और उसकी बुराई सुन ना सका और उसके पति को गोल्फ की बॉल से मारने लगता है और उसे काफी घायल कर देता है। फिर रॉय औरत को अपनी बाइक पर बैठाकर इस घर से बहुत दूर ले जाता है, जहां रॉय उसे सिखाता है कि वो कैसे दूसरों के घरों में रहता है। दोनों घर में ऐसे रहने लगे जैसे कि वो पति पत्नी हो। औरत कपड़े धोती है, उन्हें सुखाती है, रॉय खाना बनाता है और औरत को खाने के लिए देता है। दोनों फिर घर की सफाई करते हैं और साथ में कई सारी सेल्फी लेते हैं। लेकिन एक दिन ये दोनों एक ऐसे घर में घुस गए जहां 3 दिन पहले ही एक बूढ़ा आदमी मरा हुआ था, जिसकी बॉडी को ये अच्छे से साफ करते हैं और जमीन में उसे दफनाकर उसके घर में रहने लगते हैं। लेकिन जब वो दोनों गहरी नींद में थे तो आदमी का बेटा घर आ जाता है और उन्हें अपने घर देख के पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस की पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि ये दोनों तो बस दूसरे लोगों के खाली घरों में रहते हैं। उस आदमी को लंग कैंसर था, जिसकी मौत के बाद इन्होंने उसे दफना दिया था। फिर भी रॉय को जेल भेज दिया जाता है और औरत को उसका पति अपने साथ घर ले जाता है।